शिकायतें मत करो, जिम्मेवारी लो, व्यापार बढ़ाओ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ, बिजनेस कोच, बिजनेस ट्रेनर, पर्सनल कोच हूँ। अभी तक मैंने सैकड़ों लोगों को बिजनेस कोचिंग दिया हुआ है। बिजनेस में मुझे ये दिखता है, जब लोग व्यापार बढ़ाते नहीं है या बिजनेस में उनको प्रॉब्लम आते रहता है, तो बहुत एक कॉमनली बात मुझे दिखती है, और वो बात ऐसी रहती है कि लोग शिकायतें करते रहते हैं। शिकायत करना मतलब कंप्लेंट करना, और कंप्लेंट करेंगे जिम्मेवारी नहीं लेंगे। होता क्या है कि लोग कंप्लेंट करेंगे, कंप्लेंट मतलब क्या है कि उनको वो चलता नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो मेरा स्टाफ जो है, वो मेरा मैनेजर है, वो लेट नहीं आना चाहिए, वो लेट आता है, कंप्लेंट करेंगे। नहीं, लोग ज़्यादा पैसा मांगते हैं, कंप्लेंट करेंगे। लोग अच्छा काम करते नहीं है, कंप्लेंट करेंगे। यदि आप देखते हैं तो कितनी सारी कंप्लेंट आप भी करते होंगे, आपके बिजनेस व्यापार में बहुत सारी शिकायतें होंगी, बहुत सारी शिकायतें होंगी। और जब शिकायत आप करते हो तो आप जिम्मेवारी लेते नहीं है। क्यों शिकायतें क्यों करते भाई? जब आप शिकायत करते हो तो आप क्या बोल रहे हैं कि मेरे हिसाब से यह ऐसा होना चाहिए, मेरे हिसाब से, मेरे नजरिए से यह ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए। मतलब उंगलियां उधर है, दोष आप उसको दे रहे, मेरे हिसाब से लोगों ने चलना चाहिए, मेरे हिसाब से लोगों ने टाइम पे आना चाहिए, मेरे हिसाब से लोगों ने कम सैलरी मांगना चाहिए, मेरे हिसाब से लोगों ने अच्छा काम करना चाहिए। मतलब लोग ठीक काम नहीं करते और काफ़ी सारे कंप्लेंट करते रहेंगे, हमारा स्टाफ बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा, हमारा स्टाफ बहुत ज़्यादा लेट आएगा, उनको कोई पड़ी नहीं है, उनको फिक्र ही नहीं है, ऐसी कंप्लेंट शिकायतें करते रहेंगे। शिकायत जब आप करते तो आप, मैंने पहले बताया, जिम्मेदारी लेते नहीं है। देखिए, आप एक कुर्सी पे बैठे हैं, इसमें मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, और कुर्सी पे से, मतलब कुर्सी पे मैं बैठा हूँ, नीचे से एक खिलना मुझे बटक्स को चुभ रहा है, और मैं बैठा हूँ और हिल रहा हूँ, कंप्लेंट भी कर रहा हूँ, शिकायत भी कर रहा हूँ कि देखो ये चुभ रहा है, देखो ये खिलना चुभ रहा है, देखो तकलीफ हो रही है, देखो तकलीफ हो रही है, और वहाँ बैठा भी हूँ। फिर ऐसा क्यों भाई? जब आपको तकलीफ हो रही है तो आप उठते क्यों नहीं? आप उठते नहीं है, इसका मतलब वहाँ बैठने में या कंटिन्यू बैठने में आपको कुछ ना कुछ और मिलता होगा, कुछ ना कुछ फ़ायदा होता होगा, या फिर आपको उठने की तकलीफ और ज़्यादा लगती होंगी। ये तकलीफ ठीक है, चलता है यार, उठने की तकलीफ, नई कुर्सी देखना, नई जगह पे जाना, वो तकलीफ सहन करना, उससे अच्छा है ठीक है भाई, जो चल रहा हो चलने दो, क्योंकि नई तकलीफ और ज़्यादा दर्द देंगी, उससे अच्छा फिर चलता है चलने दो। फिर जब आपको करना ही नहीं है काम, जब आपको आपको कुछ करना ही नहीं है, जब आपको नया कुछ करना नहीं है, जिम्मेवारी लेना नहीं है, एक्शन लेने की नहीं है, फिर शिकायत क्यों करते हो? फिर जो है उसका स्वीकार करो, जो है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो है वैसा स्वीकार कर रहा हूँ, जो प्रॉब्लम्स है ओके मेरे लिए है, मैं कुछ करूँगा नहीं, जो चल रहा हो चल रही। क्योंकि जब आप शिकायत करते हो तो आपको क्या होता है, आप चिड़चिड़े बनते हो, आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आपका बीपी बढ़ जाता है, डायबिटीज होता है, सेहत खराब होती है, मज़ा नहीं आता है, जिसके प्रति आप कंप्लेन करते हैं वहाँ प्यार नहीं रहता है, अपनापन नहीं रहता है। तो ये सब बातें होती रहती है जब आप कंप्लेन करते हैं, तो दोष देना है, उसको गलत ठहराना है, गलत साबित करना है, फिर ये कंप्लेन करना भी है, चलाना भी है, इसका मतलब आपको ज़्यादा फायदा होगा उसमें। जैसा हमारे यहाँ एक काम वाली भाई है, बर्तन मांजती है, कपड़े धोती है, वो आएंगे और रोज़ कंप्लेंट करेंगे, देखो मेरा हस्बैंड बहुत शराब पीता है, मेरा हस्बैंड बहुत शराब पी रहा है, देखो मेरी तनख्वाह होती है यहाँ से वो 5,000 रुपये महीना हमारे से लेके जाएंगी, जैसे बोले मैं घर पे जाती हूँ 1 तारीख को पैसा लेके मेरे पैसे छीन लेंगा, मेरे को मारेंगा भी, पैसे भी ले लेंगा, देखो क्या फ़ायदा है, ऐसा रोज़ रोएंगी मुझे, आंग पे और पैसे दे दो। तो मैंने उसको बोला कि देखो बैठो, यदि आपका हस्बैंड आपको इतनी तकलीफ़ दे रहा है, आप रहते क्यों? इतनी तकलीफ़ है तो कुछ ना कुछ फ़ायदा तो आपको होगा ही। नहीं, बोले काय का फ़ायदा है? फिर बोला क्यों रहते हो, छोड़ते क्यों नहीं है? तो छोड़ना चाहिए आपने, फिर छोड़ते क्यों नहीं उसको? फिर उसको लाइट लगना चालू हो गया, बोले नहीं ऐसा है कि मैं जब छोड़ूंगी, अकेली रहूंगी, तो लोगों की नज़र मेरे तरफ देखने की कैसी होंगी, डिवोर्सी है, सेपरेट हुई है, इसका हस्बैंड इसके साथ में नहीं है, लोग गलत नज़रे से देखेंगे, गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। मतलब मैंने बोला फिर आपको फ़ायदा तो है ना, तो फ़ायदा आपको ज़्यादा दिखता है,
फिर आप कंप्लेन क्यों करते हैं? फिर जो चल रहा हो उसको खुशी से स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो, ठीक है भाई जो चल रहा हो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नहीं तो फिर जिम्मेवारी लो, वहाँ काम करो, काम करो को काम करके एक्शन लो, कृति करो, और जो हम बदल सकते हैं उसको बदलो। नहीं चाहिए वो आदमी तो उसको बदलो, नया लाना है तो उसको बदलो, कोई सिस्टम बदलना है सिस्टम बदलो, जो मर्जी चाहे आपको करो, मगर कंप्लेंट मत करो, चिल्लाओ मत, रोना नहीं है, रोके कुछ फायदा होने वाला है नहीं। तो आज से शिकायत बंद, कंप्लेंट बंद, फायदा जो दिखता है वो देखो कि फायदा है, और हम कंटिन्यू इसलिए करें कि फायदा है तो फायदा देखो, और जो फायदा नहीं है तो बदलो। ये करेंगे तो डेफिनेटली आपकी तरक्की हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।